आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ आज एक ऐसा असरदार उपाय देखेंगे जिसको करने के बाद लाइफ टाइम इंश्योरेंस की तरह लाइफ टाइम के लिए शक्ति मिल जाए। क्योंकि कई बार लोग मुझे पूछते हैं, महाराज उपाय आप हफ्ते में एक बार या कहीं करने बोलते हो, उपाय का हमारे ऊपर से असर खत्म हो जाता, फिर हम क्या करें। कई लोग रत्न पहन के बोलते हैं कि ये रत्न दशा बदलते ही उल्टा असर करने लगता है, ये रत्नों के बारे में समझ नहीं आ रहा महाराज, कभी भी कोई शत्रु दशा शुरू हो जाती है तो यही रत्न उल्टे काम करते हैं, तो रत्नों का क्या करें। रत्नों से भी परेशान है लोग, उपायों से भी परेशान है, उनको एक ऐसा उपाय जिससे न कभी दुख आए न संकट आए, दशा बदलें या दिशा बदलें या पुण्य बदलें या कोई ग्रह बदलें, सदा के लिए काम कर सके, ऐसा कोई उपाय है। तो एक ऐसा चमत्कारी उपाय आज हम देखने जा रहे हैं जिस उपाय को करने के बाद सदा के लिए आनंद, सदा के लिए खुशियां, सदा के लिए समृद्धि, सदा के लिए लाभ होगा। क्योंकि तंत्र शास्त्रों में वनस्पतियों की शक्ति को ब्रह्मांडीय शाश्वत ऊर्जा कही गई है। ब्रह्मांड में जो ऊर्जा शाश्वत है, मनुष्य शरीर में वो ऊर्जा मनुष्य जीवित रहता है तब तक ही रहती है, लेकिन वनस्पतियों में ये शक्ति, वो हरे रहते हैं तभी भी रहती है, वो सूखते हैं तभी रहते हैं, मट्टी में गिर के चूर्ण हो जाते हैं तभी भी उस वनस्पति की शक्ति को कोई कम नहीं कर सकता। ऐसे दिव्य शक्ति वनस्पति तंत्र, और उस तंत्र में सबसे सिरमौर है गुंजा तंत्र, चिरमी जिसको बोलते हैं, सफेद गुंजा लाल गुंजा। आप देखिए गुंजा एक ही पृथ्वी में ऐसी ताकत है, मैंने पहले भी संस्कार चैनल में प्रवचन में बताया है कि गुरुवायूर मंदिर में कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करने जाता है तो हाथ में गुंजा लेके करता है, क्योंकि मनुष्य शरीर को दैविक शक्ति की आकर्षण की ताकत तो सिर्फ साधना से ही आती है, वो जो साधक नहीं है साधना नहीं करता है वो उस दैविक शक्ति को कैसे आकर्षित करेगा। तो केरल का गुरुवायूर अपन मंदिर आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण का मंदिर, जहां परंपरा रही है, आज भी लोग बच्चा होता है तो उस बच्चे के वजन का चिरमी गुंजा उधर चढ़ाते हैं, और वो बच्चे के वजन का गुंजा चढ़ा के जाते हैं, और कई लोग वहां मुट्ठी भर के चिरमी गुंजा हाथ में लेकर के प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाए। क्योंकि मनुष्य कितनी कामना करता है कि मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरे को समृद्धि मिल जाए, मैं अंबानी बन जाऊं, मैं मोदी बन जाऊं। ये अंबानी मोदी के पीछे लाखों पड़े हैं कि हम भी बने ऐसे, लेकिन ध्यान रखिएगा वो बनने के लिए जिन शरीरों में शक्ति पहले से ही प्राकृतिक रूप से आ गई है वो करोड़ों में अरबों में एक होता है। साधारण मनुष्य किसी वस्तु के सहयोग से वो शक्ति को प्राप्त कर सकता है, खुद के शरीर में हरेक में वो शक्ति नहीं होती। सब समान होते तो सब अंबानी बनते, उसके लिए या तो स्वयं पुण्य की शक्ति लेके जन्म में होना चाहिए, वरना वो ज्ञान होना चाहिए कि मैं ये वस्तु को पकड़ूंगा तो मैं तिर जाऊंगा। जो दौड़ सकता है वो स्वयं दौड़ के रो रेस में आगे चढ़ जाता है, जो नहीं दौड़ सकता वो लकड़ी के सहारे भी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो ऐसे कई लकड़ियां भारतीय मंत्र शास्त्र यंत्र तंत्र शास्त्र में बताई, उसमें एक जबरदस्त चीज है ये गुंजा। इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आदिनाथ चैनल में और ये अपने संस्कार चैनल में बताए हैं, आप बराबर उस चैनल के प्रवचनों को देखते रहो, आपको एक से एक दुर्लभ बातें आपको उसमें सुनने मिलेगी जिसमें ये बात भी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको शांति चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, शत्रुओं के भय से मुक्ति चाहिए, आपको मनोवांछित समृद्धि चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, लेकिन इन सब के लिए कोई भी उपाय करते हो वो उपाय समय पा करके समाप्त हो जाता है शक्ति के साथ। तो शास्त्रों में बताया है कि कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे पास रह के हमारा कल्याण करती है, उन चीजों में एक है गुंजा। अब आपको करना क्या है महाराज, रविवार के दिन किसी भी दुकान में जहां ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलती है उन जड़ी बूटियों के दुकान में जाना, किसी को गुंजा समझ नहीं आया हो तो उनको बताने के लिए मैं देखो ये गुंजा लिया हूँ, लाल काला गुंजा आता है, ये लाल काला गुंजा शक्ति और शत्रु भय नाश, उदारी नाश, रोग नाश करता है,
रत्न से करोड़ गुना असरदार कहा गया है, क्योंकि रत्न जो लाख दो लाख दे तो ये अच्छे रत्न मिलते हैं, उससे कम भाव में रत्न मिलते नहीं है, और उतना लेने के बाद भी दशा बदलने के बाद वो उल्टा असर करने लगता है रत्न। लेकिन ये दशा बदलो या दिशा बदलो, इसकी ऊर्जा आपको कभी नकारात्मक परिणाम नहीं देगी, ऐसी शक्ति इसमें है। तो आपको करना कुछ नहीं, एक ताबीज लेना है, वो ताबीज चांदी की होनी चाहिए, छोटी सी ताबीज, एक ताबीज लेना है, ताबीज चांद खंडा बोलते हैं ना, खंडा ताबीज, खंडा वो ताबीज लेना जो गले में भुजा में लोग बच्चों को पहनाते हैं, बड़े लोग पहनते हैं, ऐसे ताबीज लेना, लाल डोरे में वो ताबीज लगा लिया, ऐसा लाल काला गुंजा लेना है, एक गुंजा लेना आपको। मैं तो ये बहुत सारा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दिखे तेरी दान, आपको ये गुंजा दिखना चाहिए अच्छे से। देखो ये गुंजे में सिर्फ एक ही गुंजा लेना जो अच्छा साबुत हो, कोई कीड़ा पाड़ा पड़ा हुआ नहीं हो, अच्छे से हो, ऐसा एक गुंजा लाल काला वाला लेना है, एक गुंजा सफेद लेना है, सफेद गुंजा, एक गुंजा काला गुंजा, तीन ही खरीदना है, एक सफेद गुंजा एक काला, दुकान में अच्छे से चेक करके, कहीं कोई उसमें खड्डा ना हो, कोई होल ना हो, कोई प्रकार का खंडित हुआ हुआ नहीं हो, गुंजा साबित हो, अच्छा हो, एक एक गुंजा तीन खरीदना है, एक सफेद एक काला एक लाल काला, तीन गुंजा खरीदा। अब आपको गलियों में बहुत उगता है ये पौधा, इस पौधे को खोकली कहते हैं, गूगल में खोकली खोकली डालोगे तो ये पौधा आएगा, ये गली गली में उगता है, बहुत सरल पौधा है। इसको भी रविवार को शनिवार को शाम को आपको इस पौधा कहाँ है ढूंढ लेना है, उधर थोड़ा पानी डाल के धूप करके मैं कल आपको लेने आऊंगा। आपको निकालने के बाद भी आपकी प्राण शक्ति आपके जड़ों में स्थिर रहे और आप पूर्ण शक्ति जीवन प्राण के साथ मेरे साथ आके मेरा कल्याण करें, मुझे क्षमा करें, मेरे साथ रह के मेरा मंगल करें, ऐसे पहले दिन ही पानी डाल के इसको प्रार्थना करके धूप दिखा के आना है। और अगले दिन रविवार को सुबह में सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर जा करके उस पौधे के अच्छे से थोड़ा पानी डाल के गीला करके धीरे से खींचना। देखो ये जड़ पूरा का पूरा कैसे बराबर आया है, कोई भी खंडित नहीं हुआ, ऐसे पूरा जड़ के साथ एक छोटा सा पौधा, अभी मेरे को दिखाने के लिए अच्छा रहेगा इसलिए इतना बड़ा, आप छोटा सा पौधा लो, उसके जड़ के साथ खींचो और उसके जड़ को ऐसे तोड़ लो, छोटे से जड़ को, ये जो कोने में जड़ है पूरा जड़ देखे कितना बारीक एकदम, ये जड़ एकदम बारीक अंतिम कोर तक है, इस जड़ को थोड़ा सा ऐसे तोड़ लो, इस जड़ को तोड़ लो, इसको इसके साथ रखे उस ताबीज में डाल लो, इतना ही, न जाप करना है, न पूजा करना है, न धूप करना है, न दीप करना, काला लाल चिरमी, लाल चिरमी काला, लाल चिरमी सफेद चिरमी काला चिरमी, तीन चिरमी गुंजा लिया, गुंजा ही बोलते दुकानों में मिलता, चिरमी भी बोलते, फिर ये जड़ उसमें रखा, ताबीज में डाला, ताबीज को क्विक फिक्स से या कोई भी एक एडहेसिव से जो चेप देता है उससे चेप दिया, इसको लाल डोरे से अपने कमर में बांध दिया। आपको लगेगा कि ये क्या है इतना छोटा, ये है देखने को छोटा लागे गाव करे गंभीर वाली बात है, ये देखने में छोटी चीज लग रही है, इसको पहन लोगे जहाँ जाओगे वही कृपा बरसेगी, जहाँ सोचोगे वही काम होगा, हर चीज मंगल हो जाएगा और हर जगह पर यश कीर्ति आएगा और कार्यों में जो विघ्न आ रहे हैं वो विघ्न अपने आप खत्म हो जाएंगे, जो प्रकार से दुखी हो दुख खत्म हो जाएगा। ये उपाय छोटा है लेकिन इसका असर तंत्र शास्त्रों में चिरंजीवी बताया, चिरंजीवी आने ये जब तक कमर में बंधा रहेगा ये काम करता रहेगा, कभी आपको कोई मौत मरगत में जाना हो तो खोल के रख के जाना चाहिए, सूतक में इसको वहां ले जाना नहीं चाहिए, क्योंकि सूतक में गया तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, कोई भी प्रसव वाली गर्भिणी का सूतक 13 दिन का, मरगत का सूतक, इन सूतकों में 13-15 दिन तक उधर गए हो तो ये काम नहीं करेगा, अन्य समय में ये कोटि सूर्य की किरण की तरह ये फैल करके दुनिया में आपके सामने लोगों को चीजों को खींच खींच के लाएगा, ऐसे दिव्य शक्ति का उपयोग आप कमर में बांधना है, क्योंकि इसको गले में बांधने से हार्ट चक्र तक ही काम करता है, कमर में बांधने से शरीर के 6 चक्रों पर इसकी ऊर्जा चढ़ती है और ये ऊर्जा हर कार्य को सिद्ध करता है। गूगल में खोखली नाम डाल के इस पेड़ को ढूंढे, गली गली में मिलती है, ये ऐसा पौधा है जिससे
4,448 प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। 4,448 प्रकार के वैद्य शास्त्र में लिखा है कि खोखली नाम का यह पौधा दुनिया के 4,448 बीमारी को मिटाने वाला है। ऐसे आयुर्वेद को देने वाले, तंत्र मंत्र शास्त्र को देने वाले भारतीय धर्म ज्ञान को नमन करते हुए आपका जीवन इस उपाय से मंगलमय हो जाए, यही प्रार्थना करते हुए जय मां भारती।